हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। तो आज हम नीड का इस्तेमाल सीखेंगे कि नीड का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। सो गाइस, आर यू रेडी? यस सर। सबसे पहले मैं इन बच्चों के गार्जियन को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जिन्होंने इन्हें मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए भेजा। मेरे आने से पहले इन बच्चों की स्थिति यह थी कि इनको हिंदी भी अच्छी तरह से बोलने नहीं आती थी, लिखना पढ़ने भी नहीं आता था। आज ये इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके गार्जियन काफ़ी ध्यान देते हैं इन पर। और उन गार्जियन को मैं काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चियों को और बच्चों को इंग्लिश सीखने का मौका दिया। और उन गार्जियन को मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहता हूँ जो लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं समझते हैं। लड़की होने के बावजूद भी उसकी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दी जाती है, उस गार्जियन को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा। इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि लड़की है पढ़ लिख कर क्या करेगी, दूसरों के घर में तो जाना है। लेकिन ये सोच बिल्कुल ही गलत सोच है। वो जैसे भी पढ़ना चाहती है, कहीं से सीख रही है, कुछ अच्छा कुछ सीख रही है, तो उसको सीखने से मना नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो काम कर घर का, खेत का, हेन तेन, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है काम और घर का काम, खेत का काम। कि काफ़ी इस दुनिया में लड़कियां हैं जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं लेकिन घर की दबाव की वजह से वो अपने सपनों को मार देती हैं। तो ऐसा प्लीज़, अगर आप गार्जियंस ऐसा हैं जो लड़कियों पर ध्यान नहीं देते, लड़कियों की वैल्यू नहीं देते, तो प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि ऐसा ना करें, उसके सपनों को उड़ान भरने दें, उड़ने दें उसे खुली गगन में। जो भी बनना चाहती है उसे बनने में मदद करें। और आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि आज के ज़माने में लड़कियां काफ़ी कुछ कर रही हैं और करती हैं। तो सो हम टॉपिक पर आते हैं, नीड का इस्तेमाल ज़रूरत वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं, ज़रूरत वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं। जैसे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, उसे बुक की ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत मतलब कब, कि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है, तब हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हैं? तो आपको मैं पहले समझा दूं कि नीड लगाते हैं जब ज़रूरत आएगा तो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, और जितने भी बहुवचन है यानी कि प्लुरल वर्ब, उनके साथ नीड लगेगा, और बाकी सबके साथ यानी कि सिंगुलर नंबर, एक की बात करेंगे और वो थर्ड पर्सन है तो उसमें नीड्स लगेगा। ओके, नीड्स। उसे पेन की ज़रूरत है, ही नीड्स पेन। ओके, ये ही क्या है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन है यानी कि किसी तीसरे की बात हो रही है, तो इसमें नीड्स लग जाएगा, बाकी सब में सिर्फ नीड लगेगा, एस नहीं लगेगा नीड में। तो उसे पेन की जरूरत नहीं है, ही नीड्स नॉट पेन। सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। और उसका दूसरा फॉर्मूला भी है डू डज का इस्तेमाल करके। तो दूसरा फॉर्मूला यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, जिसके साथ हम नीड में एस लगाते हैं, उसमें डज लगेगा, और नॉट लगा देने के साथ में तो डजंट हो जाएगा, डजंट नीड पेन हो जाएगा, ही डजंट नीड पेन। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं रहेगा, आई यू या किसी भी प्लूरल नंबर की बात करेंगे बहुवचन की, तो उसमें डू लगेगा, और नॉट लगा देंगे तो डोंट हो जाएगा। ओके, क्या उसे पेन की ज़रूरत है, नीड्स ही पेन। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है क्या वाले सेंटेंस में, और दूसरा फॉर्मूला डज ही नीड पेन, ही के साथ डज लगता है। उसे पेन की ज़रूरत क्यों है, तो व्हाई नीड्स ही पेन। दूसरा, व्हाई डज ही नीड पेन। ओके, तो ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखना कि किस तरह से बनता, आपको समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी कुछ आप सीख चुके हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारे टॉपिक में सब सेम होते हैं। अगर उसका हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें आप जानते ही हैं कि नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से बनता है, क्या वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का को पहले लिखने से बनता है यानी पहले बोलने से बनता है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब देने से क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। ठीक है, अभी डू किसके साथ लगेगा, जैसे मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पेन की ज़रूरत नहीं है, तो आई नीड नॉट पेन, आई डोंट नीड पेन, या आई डू नॉट नीड पेन। ओके, उन लोगों को पेन की ज़रूरत नहीं है, दे नीड नॉट पेन या दे डू नॉट नीड पेन। ओके, तो इस तरह से आज हम प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स का। ओके, जैसे उसे पेन की ज़रूरत है तो यहाँ पर मैंने लिख ही दिया है, तुम्हें बुक की ज़रूरत है तो क्या होगा, यू नीड बुक। तुम्हें पेन की ज़रूरत नहीं है, दूसरा फॉर्मूला, यू डोंट नीड
यू डोंट नीड पेन। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्या तुम्हें बुक की जरूरत है? यस, डू यू नीड पेन, डू का इस्तेमाल करके। ओके, तुम्हें पेन की जरूरत क्यों है? हाँ, थोड़ा एनर्जी नहीं लग रही आज तुम लोगों में? तुम्हें पेन की जरूरत क्यों है? यस, तो इस तरह से मैं आपको सेंटेंसेस पूछूंगा, प्रैक्टिस करवाएंगे आज। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन है और हम एक स्ट्रक्चर बताते हैं और उससे बहुत सारा प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इससे आपको एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाता है कि हाँ, ये स्ट्रक्चर वाला इस तरह के सेंटेंसेज इस स्ट्रक्चर से बनते हैं, तो फटाफट फिर आपके मुंह से जबान से इंग्लिश निकलती है। ठीक है, जब भी उस तरह का इंग्लिश बोलना हो तो फिर सोचना नहीं पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके ओके, मैं आपको सेंटेंसेस बोलूँगा, आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड चारों के चारों एक साथ बोलना है। ठीक है? ओके ओके, गेट रेडी। तुम्हें बाइक खरीदने की जरूरत है? यू नीड बाय बाइक। यू डोंट नीड बाय बाइक। डू यू नीड बाय बाइक? व्हाई डू यू नीड बाय बाइक? वेरी गुड, कम हियर। तुम्हें कुछ कुर्सियों की जरूरत है? यू नीड सम चेयर। यू डोंट नीड सम चेयर। डू यू नीड सम चेयर? व्हाई डू यू नीड सम चेयर? वेरी गुड, कम रंजू। तुम्हें कार की जरूरत है? यू नीड कार। यू डोंट नीड कार। डू यू नीड कार? व्हाई डू यू नीड कार? वेरी गुड, अनिशा। उसे दवाई की जरूरत है? ही नीड्स मेडिसिन। ही डजंट नीड मेडिसिन। डज ही नीड मेडिसिन? व्हाई डज ही नीड मेडिसिन? वेरी गुड, क्या विषय? उसे पैसों की जरूरत है? ही नीड्स मनी। ही डजंट नीड मनी। डज ही नीड मनी? व्हाई डज ही नीड मनी? वेरी गुड, हमें घर की जरूरत है? वी नीड हाउस। वी डोंट नीड हाउस। डू वी नीड हाउस? व्हाई डू वी नीड हाउस? वेरी गुड। तुम्हारे पिताजी को नौकर की जरूरत है? योर फादर नीड्स सर्वेंट। योर फादर डजंट नीड्स सर्वेंट। डज योर फादर नीड्स सर्वेंट? व्हाई डज योर फादर नीड्स सर्वेंट? ओके, तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है? You need go to a school. You don't need go to a school. Do you need go to a school? Why do you need go to a school? Very good. उसे लाल पेन की जरूरत है? He need red pen. He doesn't need red pen. Does he need red pen? Why does he need red pen? Very good. तो आप लोगों को भी समझ में आ चुका है, ठीक है? मतलब बिल्कुल सिंपल है, एक बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में घुस गया, बैठ गया, तो आप नीड से संबंधित सारे सेंटेंस फटाफट बोल सकते हैं। ओके, मैं अब यहाँ से बोलता हूँ, आप लोग उसका इंग्लिश बोलना, ठीक है? हमें सुबह जल्दी उठने की जरूरत है। यस, उसे चाकू की जरूरत है? उसे चाकू की जरूरत नहीं है। He doesn't need knife. उसे चाकू की जरूरत नहीं है। क्या उसे चाकू की जरूरत है? उसे चाकू की जरूरत कब है? Yes, when does he need knife? मुझे तुम्हारी जरूरत है? I need you. मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। I don't know you. एक साथ बोलो। I don't know you. हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। I don't need you. क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? No, I need you. Do I need you? Don't बोल दे रहे हो, कोई कोई डोंट बोल रहा है। क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? Do I need you? मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है? Why do I need you? एक साथ, Why do I need you? Why? मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों है? Why do I need you? ओके, तो आप लोग समझ चुके हैं? Yes, sir. अब इस तरह के कोई भी सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा तो फटाक से उसका इंग्लिश बोल सकते हैं ना? Yes, sir. And viewers, मैं आपको हर क्लास में यही बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप हर वीडियोस को रेगुलर देखा कीजिए। प्रैक्टिस सेशन है, लाइव है, क्लास है, हम क्लास चला रहे हैं और इसका वीडियोस बनाकर आपके सामने हम पेश करते हैं कि इस तरह से हम पढ़ाते हैं। एक स्ट्रक्चर, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताते हैं और उससे संबंधित हज़ारों सेंटेंस स्टूडेंट्स से बुलवाते हैं।
फिर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि फिर इस तरह के सेंटेंसेस दिमाग में जब आते हैं तो उसका इंग्लिश सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ब खुद निकलती है। तो आप भी देखते रहेंगे तो आप भी सीखेंगे और आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को वैसे लोगों तक शेयर किया कीजिए जो लोग वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है, इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं है, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो लोग वीडियो देखकर घर पे ही इंग्लिश सीख सके। आप ऐसा मत समझना कि YouTube से इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, YouTube से मेरे ही चैनल से काफ़ी लोगों ने इंग्लिश सीखा है, इवन कि जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता था उन्होंने भी मेरे चैनल से इंग्लिश पढ़ना सीखा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे लोग तक मेरा जो वीडियोज़ है उसको शेयर भी किया कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।